गाइस हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वो मुझसे चीज़ें छुपाने लग गया है, तुम बहुत बातें करने लग गए हो, मेरे पापा खराटे मारने लग गए हैं। सो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको फ्रेज यूज करना पड़ेगा स्टार्ट डूइंग समथिंग। स्टार्ट डूइंग समथिंग का मतलब होता है कुछ काम शुरू कर देना। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या फिर हैव। अगर आपके सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब आपको यूज कर देनी है हैज, जैसे कि ही, सी, इट, ये सब के पास। अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब आपको यूज कर देनी है हैव, जैसे कि आई, वी, यू, ये सब। इसके बाद आपको यूज कर देनी है स्टार्टेड। स्टार्टेड के बाद आपको यूज कर देनी है वर्ब की आई एन जी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। वो कितना खाने लग गया है, ही हैज स्टार्टेड ईटिंग सो मच, ही हैज स्टार्टेड ईटिंग सो मच। अमन झूठ बोलने लग गया है, अमन हैज स्टार्टेड टेलिंग अ लाय, अमन हैज स्टार्टेड टेलिंग अ लाय। वो मुझसे चीजें छुपाने लग गया है, ही हैज स्टार्टेड हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम मी, He has started hiding things from me. तुम बहुत बातें करने लग गए हो, You have started talking a lot. You have started talking a lot. मेरे पापा खराटे मारने लग गए हैं, My father has started snoring. My father has started snoring. तुम इतना चिल्लाने क्यों लग गए हो, Why have you started shouting so much? Why have you started shouting so much?